हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी विंक म्यूज़िक यानी जो एयरटेल एप्लीकेशन यानी जो एयरटेल का एप्लीकेशन है गाने सुनने वाला, आप उसमें से कोई हेलो ट्यून सेट कर रहे हैं तो यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कांड सेटअप हेलो ट्यून। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है और ऐसा क्यों होता है और आप इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, यहाँ पे आप अपना जो लोकल म्यूज़िक है यानी जो आपके मोबाइल में सॉन्ग्स हैं आप उसे अपनी हेलो ट्यून नहीं लगा सकते हैं। कई लोग ऐसा ही करते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं ऐसा ही कर रहा हूँ इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है। पर यहाँ पे शायद आप उसमें से जो गाने हैं जो एप्लीकेशन के गाने हैं वो लगाने वाले हों, जैसे कि होम में जाते हैं यहाँ से कोई गाना चूज़ करते हैं हम और उसको लगाते हैं, पर तब भी आपको दिक्कत देखने को मिल रही है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभार जो गाना हम चूज़ करते हैं तो वो गाना अवेलेबल नहीं होता है, उस गाने पे हेलो ट्यून नहीं लग सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई और गाना चूज़ कर लेना है या उस गाने को एक या दो दिन बाद यूज़ करके देखना है, शायद आपके हेलो ट्यून लग जाएगी। पर अगर ऐसा नहीं है, आपके हर गाने पर ऐसा ही शो करा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा हो सकता है कि आपने बार बार सॉन्ग चेंज करा हो, आप हर दिन अपनी हेलो ट्यून चेंज करते होंगे या बार बार चेंज करते होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको कम से कम एक दिन का इंतज़ार कर लेना है, आपकी जो हेलो ट्यून है वो चेंज हो जाएगी, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।